ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल ने कोविड 19 के दृष्टिगत प्रभावी लॉकडाउन के दौरान ग्राम महराजी ब्लॉक पिपराइज थाना पिपराइज में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के कारण सील किए गए। उक्त ग्राम में पॉजिटिव व्यक्ति का इलाज प्रारंभ होने पर वर्तमान समय में उसकी जांच रिपोर्ट निगेटिव पाए जाने के कारण शासन के निर्देशानुसार उक्त ग्राम में कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु लगाया गया प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया, किंतु उक्त क्षेत्र में वर्तमान में प्रभावी लॉकडाउन के प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाना आवश्यक है। वही सदर तहसील के 4 गांवों में कोरोना के एक एक पॉजिटिव मरीज मिलने से उन गांवों को पूरी तरह सील कर दिया गया है। अब सदर तहसील में 12 हॉटस्पॉट हो गए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से टेलीफोन से बात करते हुए ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम गौरव सिंह सोगरवाल ने कहा, आज 4 नए हॉटस्पॉट बने हैं। पल्लन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, ये मटनिया जुनेदी, खजवा, जंगल सिद्धार्थ, ये सारे पेपराइज थाना अंतर्गत हैं और जंगल डूंगरी नंबर 2 ये थाना बुलेगा के अंतर्गत है। 4 नए हॉटस्पॉट बनाए हैं और पेपराइज में जो महाराजी था उसका जो नेगेटिव पॉजिटिव केस था वो नेगेटिव आ गया है, उसको हमने हॉटस्पॉट से हटा दिया है, सारे प्रतिबंध समाप्त कर दिए हैं। और दूसरा थाना कैंट के अंतर्गत सवेरा हॉस्पिटल के पास का एरिया था जिसको हमने कंटेनमेंट जोन बनाया था, वहां भी 14 दिन पूरे होने के बाद उसको भी हमने आज कंटेनमेंट जोन से हटा दिया, नॉर्मल लॉकडाउन के नियमों से लागू हुआ। हमारे शहर में हॉटस्पॉट सारे खत्म हो गए हैं। अब पतराइच में हमारे 8 हॉटस्पॉट हैं, चिल्वाताल में 2 हॉटस्पॉट हैं और गुलरिया में 2, तो टोटल हमारे 12 हॉटस्पॉट हैं वर्तमान में।